at speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. Hello everyone, welcome to Artistic Life with Pihu, Priti. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे. हमें हमेशा कुछ क्रिएटिव करते रहना चाहिए अपने घर में खाली टाइम पे, क्योंकि इससे आपके दो फायदे होते हैं. पहला, आपके दिमाग की एक्सरसाइज भी हो जाती है. दूसरा, आप एक नई चीज सीख जाते हैं. तो आज का वीडियो भी क्रिएटिविटी से ही रिलेटेड है. आज मैं करने वाली हूँ कुछ बहुत ही आसान से लो बजट होम डेकोर DIYs. इन सारे DIYs को करने के लिए मैंने ज़्यादातर चीज़ें मेरे घर में रखी हुई जो थी उनको ही यूज़ किया है. आप कह सकते हैं कि वेस्ट मटेरियल्स मैंने यूज़ किए हैं इन सारे ही DIYs में. तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और कुछ नया सीखते हैं. तो ये है हमारा सबसे पहला DIY. मेरे पास एक फैब्रिक बचा हुआ था वेलवेट का. आप लोगों ने देखा होगा मेरे लास्ट वीडियो में मैंने इससे सोफ़ा कवर बनाया था. तो उसी में से मैंने ये दो सर्कल शेप कट कर लिया है. साथ ही में मेरे पास बकरम था तो मैंने उस बकरम को भी सेम साइज़ में कट कर लिया है. तो अब इस बकरम को मैं दोनों वेलवेट के बीच में लगा करके सिलने वाली हूँ. मेरे घर में सिलाई मशीन नहीं है तो मैं हाथ से ही इसको अच्छे से सिल रही हूँ. अगर आपके पास हो तो आप सिलाई मशीन से अच्छे से पूरे किनारे को सिल दीजिए. जितने भी DIYs आप देखने वाले हैं वीडियो में, उनका फाइनल लुक मैं आपको एंड में दिखाऊँगी. फटाफट मैं आपको पहले सारे DIYs का प्रोसेस दिखा देती हूँ. तो आपको वीडियो को एंड में ज़रूर देखना है कि सारे बनने के बाद कैसे लग रहे हैं और उसको आपको किस तरीके से डेकोरेट करना है अपने घर में. हालांकि मुझे सिलाई का काम उतना आता नहीं है. मुझे एम्ब्रॉयडरी वगैरह मैं कर लेती हूँ बट सिलना मेरे को उतना आसान नहीं लगता है. बट फिर भी मैंने सिल लिया है. तो अब मैं इसके किनारे में लगा रही हूँ ये खूबसूरत सा लेस, जिसको लगाने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है फैब्रिक ग्लू. फैब्रिक ग्लू से बहुत ही अच्छे से स्टिक हो जाते हैं इस तरीके के लेसेस वगैरह. तो उसी को मैं यहाँ पर यूज़ करके इस पिंक कलर के लेस को पूरे सर्कल में लगाने वाली हूँ. प्लेसमेंट बहुत ही खूबसूरत लगते हैं आपके सेंटर टेबल पर और डाइनिंग टेबल पर अगर आप यूज़ करते हैं. तो इस तरीके का प्लेसमेंट आप फेस्टिवल्स में मोस्टली यूज़ कर सकते हैं, जैसा मैं आपको बना करके दिखा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी ये ट्रेडिशनल बनने वाला है. तो सेंटर में भी मैं ये सेम लेस लगाने वाली हूँ. इसके लिए मैंने यहाँ पर ये एक छोटी सी कटोरी ली थी ताकि हमारा सर्कल बिल्कुल प्रॉपर बने. तो मैंने फैब्रिक ग्लू लगा लिया है और अब मैं लगा रही हूँ ये लेस. अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ये खूबसूरत से पिंक कलर के गोटा पट्टी पैचेस. ये आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, लोकल मार्केट में भी आपको मिलता है. तो इसको भी मैंने फैब्रिक ग्लू से लगा दिया है. तो ये हमारा पहला DIY बन के तैयार हो गया है. इसको मैं एंड में आपको सजा के दिखाऊंगी. बढ़ते हैं दूसरे DIY की तरफ. तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है ये एम्ब्रॉयडरी रिंग और कुछ स्टिक्स मेरे पास पड़ी थी उसको. ये बहुत ही झटपट बनने वाला DIY है और बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला भी है. तो इसको बनाने के लिए आपको ये रिंग चाहिए और ये स्टिक्स चाहिए और कुछ मोतियाँ चाहिए. आप आगे का प्रोसेस देखते जाइए, बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा. अब मैं इसमें लगाने वाली हूँ दोनों साइड में स्कीवर्स. इस तरीके के स्कीवर्स आपको स्टेशनरी शॉप पे आसानी से मिल जाएंगे. आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ. तो मैं बना रही हूँ एक खूबसूरत सा लैम्प. हाँ, ये लैम्प बनने वाला है. और लेकिन ये लैम्प कैसे दिखेगा और किस तरीके का लैम्प होगा, इसके लिए आपको वीडियो में बने रहना है एंड तक. तो मैंने सारे चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर फिक्स कर दिया है. अब बारी है इसको पेंट करने की.
तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है गोल्डन स्प्रे पेंट। ये जल्दी से सूख भी जाते हैं और काम भी आसान हो जाता है, फटाफट हमारा हो जाता है। तो अब देखिए ये अच्छे से बन गया है हमारा, सूख गया है गोल्डन पेंट। अब बारी है इसके ऊपर मोतियाँ लगाने की। तो मैं ना होलसेल मार्केट में जाती हूँ और इस तरीके की जितने भी चीज़ें होती हैं मैं उठा लेती हूँ, मेरे लिए सस्ती पड़ती हैं। तो मेरे पास इस तरीके की बहुत सी मोतियाँ, बहुत से क्राफ्ट मिरर्स, बहुत सी चीज़ें मैंने अपने घर में रखा हुआ है ऑलरेडी। तो इसको मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ, रिंग के ऊपर, और रिंग के फ्रंट साइड में ही लगाने वाली हूँ। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये वाला स्पेशली DIY आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कि इसका फाइनल लुक कैसा होने वाला है, क्योंकि ये एक लैम्प मैंने बनाया है। लेकिन आप सोच रहे होंगे इसमें बल्ब तो है ही नहीं, तो ये लैम्प कैसा है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा धीरज रखना होगा। तो हमारा दूसरा DIY भी बन करके ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। बढ़ते हैं तीसरे DIY की तरफ। इस DIY के लिए मैंने कार्डबोर्ड यूज़ किया है, उसको मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। टोटल 10 पीसेज हैं। अब मैं दो दो कार्डबोर्ड को एक साथ ज्वाइंट करने वाली हूँ ताकि ये थोड़ा सा मोटा हो जाए। बहुत सी मैं चीज़ें ऑनलाइन मंगाती रहती हूँ तो मेरे पास काफ़ी कार्डबोर्ड रहते हैं, कार्टन वगैरह रहते हैं, तो उसको मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं रख लेती हूँ। तो उसी से मैं आज ये DIY कर रही हूँ। तो अभी मैंने सारे ही स्क्वायर्स को आपस में जोड़ लिया है और मेरे पास ये कुछ मांडला के स्टिकर्स पड़े थे, इनको मैं इसके ऊपर स्टिक कर रही हूँ। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बनने वाला DIY है। और मैं बना रही हूँ एक खूबसूरत सा प्लांटर। जी हाँ, मैं एक प्लांटर बना रही हूँ। तो जब इन पांचों के ऊपर मैं ये मंडला आर्ट का स्टिकर लगा लूँगी तो इनको आपस में जोड़ करके मैं एक बॉक्स का शेप देने वाली हूँ। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे महंगी चीज़ें ला करके ही अपने घर को डेकोरेट करें। ये चीज़ें कितने दिन चलेंगी, आप किस तरीके से इनका केयर करते हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने घर को डेकोरेट करने के लिए खुद से कुछ ना कुछ बनाती रहूं ताकि मेरा भी मन लगा रहे, मेरी भी क्रिएटिविटी बाहर आनी चाहिए। तो देखिए, इस तरीके का आप एक प्लांटर कार्टन के खाली जो कार्डबोर्ड आते हैं उनसे बना सकते हैं, कार्डबोर्ड से बना सकती है। तो ये हमारा बॉक्स बन के रेडी हो गया है। इसके एजेस पर मैंने ये एक गोल्डन स्ट्रिप्स लगाई थी, बट ये बाद में मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी तो मैंने इसको निकाल करके मैंने ब्राउन कलर के लेसेस लगाए थे। अब बारी है हमारे लास्ट DIY की। तो मेरे पास ये एक खाली डिब्बा पड़ा हुआ था जो कि आगे से फट भी गया है, तो मुझे इसको फेंकने में मोह लग रहा था। मैंने कहा कि क्या बनाऊँ इसका, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आई है कि क्यों ना मैं इसका एक छोटा सा कॉर्नर टेबल बनाऊँ, स्टूल भी आप बोल सकते हैं, तो उसको बनाने वाली हूँ मैं। तो इसके अंदर मैंने पेपर भर दिया ताकि ये थोड़ा सा भारी हो जाए और ताकि हम इसके ऊपर कोई चीज़ रखें तो वो गिरे ना, इसलिए मैंने इसके अंदर पेपर भर दिया है। और इसके सारे एजेस को मैं सेलो टेप से सिक्योर कर रही हूँ अच्छे से। तो सारे एजेस को मैंने सिक्योर कर दिया है। अब बारी है इसको डेकोरेट करने की। तो यहाँ पर मैंने लिया है ये एक प्यारा सा वॉलपेपर जिसको मैं इस पूरे बॉक्स के ऊपर लगाने वाली हूँ। तो मैंने साइज़ के अकॉर्डिंग इसको कट करके 1x1 इसके ऊपर अच्छे से लगा दिया है। मैं अक्सर अपने घर में वॉलपेपर वगैरह यूज़ करती रहती हूँ, तो मेरे पास वॉलपेपर भी पड़ा हुआ था। ऐसा नहीं है कि मैंने इस DIY के लिए ये वॉलपेपर ख़रीदा है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत से वॉलपेपर पड़े हुए हैं घर में, तो मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ। तो आपके पास भी अगर कोई वॉलपेपर बच गया हो, अक्सर बच ही जाते हैं हमारे पास, हम लेकर के आते हैं, तो उससे आप इस तरीके की छोटी मोटी DIYs कर सकते हैं। तो देखिए, वॉलपेपर लग गया है और अब इसके एजेस पे मैं लगा रही हूँ ये ब्राउन कलर का खूबसूरत सा लेस। कुछ ना कुछ हमें अपने लाइफ में सीखते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जाएं और वहाँ से भारी भरकम चीज़ें लाएं अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। अगर आपको इच्छा है कि मैं खुद कुछ बनाऊं तो आप इस तरीके की चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे अभी देखिए, मेरे पास ये कार्डबोर्ड के रोल्स पड़े हुए थे लास्ट टाइम जो मैंने टेबल बनाया था कार्डबोर्ड रोल से, उसी के ये रोल बचे हुए थे, तो उसको मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पर ब्लैक एक्रेलिक कलर से पेंट कर दिया है और ये
टोटल 8 पीसेज हैं मेरे पास, तो मैं इसको 12 हैं। तो अब इसके एजेस पे मैं लगाने वाली हूँ ये गोल्डन स्ट्रिप। तो जो छोटे पीसेज हैं उसको मैं कार्डबोर्ड के फ्रंट में लगाऊंगी, और जो बड़े 4 पीसेज हैं उससे मैं टेबल के पैर बनाने वाली हूँ। तो देखिए हमारा झटपट बनने वाला है ये DIY। तो अभी मैं इन सारे रोल्स को इसके फ्रंट साइड में लगा रही हूँ टेबल के, ताकि ये देखने में थोड़ा सा अलग दिखे। अदरवाइज़ आप सिर्फ 4 पैर भी लगा सकते हैं इसमें, ये जो है ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो करें। अदरवाइज़ सिंपल आपने इसके ऊपर वॉलपेपर लगाया, लेस लगाया और साइड में 4 पैर इसके लगा दिए खड़े करने के लिए, तो भी ये बहुत खूबसूरत दिखेगा। बट मेरे पास ये रोल पड़े थे तो मैंने सोचा इसको वेस्ट नहीं करती हूँ, इसको भी मैं इसमें यूज़ कर लेती हूँ, इसलिए मैंने इसको लगा दिया। तो अब हमारे सारे DIYs बन गए हैं। चलिए मैं 1 by 1 आपको इनको प्लेस करके डेकोरेट करके दिखाती हूँ। तो ये रहा हमारा सबसे पहला DIY, खूबसूरत सा प्लेस मैट। इसे मैं लगा रही हूँ मेरे सेंटर टेबल पर। कोई भी फेस्टिवल हो, जैसे दिवाली हो, दशहरा हो, होली हो, तो आप इस तरीके का प्लेसमेंट यूज़ करते ही हैं, तो बेटर है कि अपने हाथ से बना लें। आई होप कि आपको ये प्लेसमेंट ज़रूर पसंद आया होगा, और बहुत ही आसानी से बन गया था। आपने देखा था मैंने इसको सिर्फ अपने हाथों से ही सिला, मशीन भी नहीं चलाया। तो मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये प्लेसमेंट, आप लोग को कैसा लग रहा है प्लीज़ बताइएगा। अब बारी है हमारे लैंप की। तो ये रहा हमारा लैंप। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है ये मून लाइट, ये आपको आसानी से ऑनलाइन मिल जाएगा। इस पर आप टैप करते हैं तो ये कलर चेंज करता है। तो मैंने एम्ब्रॉयडरी रिंग को वॉल पे फिक्स कर दिया है और उसके सेंटर में ये मून लाइट लगा दिया है। तो बन गया ना हमारा सस्ता और टिकाऊ सा लैंप। आई होप कि आपको ये जुगाड़ू लैंप का आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। ये रहा हमारा कार्डबोर्ड से बना हुआ खूबसूरत सा प्लांटर, जिसको मैं रख रही हूँ मेरे टेबल पे, और इसके अंदर मैं रख रही हूँ ये प्यारा सा पोथोस। आप इस तरीके का प्लांटर अपनी बालकनी में भी रख सकते हैं, बेडरूम में भी रख सकती हैं, किचन में भी रख सकती हैं, फ्रिज के ऊपर भी रख सकती हैं। और ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, मैंने वो गोल्डन वाली स्ट्रिप निकाल करके इसमें ब्राउन लेसेस लगा दिए थे, ये मुझे ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो देखा कितने लो बजट में खूबसूरत सा प्लांटर बनके हमारा रेडी हो गया। तो ये है हमारा आज का आखिरी DIY, जो कि है हमारा खूबसूरत सा कॉर्नर टेबल। इसे आप अपनी बालकनी में भी रख सकती हैं, अपने बेड साइड में भी रख सकती हैं, सोफे के साइड में भी रख करके डेकोरेट कर सकती हैं। और मैंने इसके अंदर पेपर भर दिया था, जिसकी वजह से ये काफ़ी अच्छा वजन बेयर कर रहा है, जैसा कि आपको दिख रहा है। कैसा लगा आज का सारा DIYs आप लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने आज अलग अलग तरीके के DIYs किए हैं, जैसे कि लैंप बनाया, प्लेसमेट बनाया, और ये छोटा सा खूबसूरत सा प्लांटर बनाया कार्डबोर्ड से। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया ये सारा काम करते हुए। आप लोग भी ट्राई कीजिए और मेरे साथ उसकी पिक्चर्स भी शेयर कीजिए इंस्टाग्राम पर। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज पर भी मेरे आप लोग आइए, आप लोगों को काफ़ी नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो चलिए अब समय है आप लोगों से विदा लेने का, और मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे अच्छे आइडियाज़ के साथ। तब तक देखते रहिए आर्टिस्टिक लाइव विद पीहू प्रीति। बाय।